भाई और बहनों, कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। एक दौर था जब गुजरात पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे, प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना, इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। जहां 30 से ज्यादा सॉल्ट रिफाइनरीज है,